धर्मपद चित्त वग गाथा नंबर 39। इसकी जो कथा है वो 38 वाली है, जो चित्त हत वाली कथा है सेम वही है। क्योंकि भगवान एक तरफ जो बात कहते हैं फिर दूसरी तरफ दूसरे सेंटेंस में जो गाथा कहते हैं, ये वो गाथा उसका दूसरा हिस्सा है। इस प्रकार है, अनवसुत चित्तस्य अननवाहत चेतसो पुण्य पापहीनस्य नत्थी जागरतो भयं। अन माने नहीं, अनवसुत चित्तस्य। अनवसुत चित्त का मतलब है अनवस युक्त चित्त, यानी कि अन माने नहीं और वस माने होता है वर्षा, जिसके चित्त में नहीं है। चित्त में नहीं है का मतलब है कि जिसके मन के अंदर बारिश नहीं है का मतलब यहां है जिसके मन में राग नहीं है, यानी राग की बारिश नहीं है, जिसको कोई राग नहीं है, कोई क्रेविंग नहीं है, ऐसा जो मन है उसके लिए यहां अनवसुत चित्तस्य बोला गया है। अननवाहत चेतसो, अननवाहत चेतसो, अनन माने होता है मुक्त, वा माने या, और हित माने जो होता है, हत माने जो होता है वो होता है नुकसान, यानी कि दोष, यानी कि जिसमें दोष भी नहीं है, ऐसा चेतसो। चेतसो का मतलब है ऐसा चेतना वाला, ऐसा चेतना वाला चेतसो जिसके अंदर कोई द्वेष भी नहीं है। अननवाहत चेतसो पुण्य पाप विहीनस्य, जो पुण्य से पाप से विहीन है, यानी जिसमें पुण्य भी नहीं है पाप भी नहीं है, उससे दोनों से विहीन हो चुका है, यानी कि राग से और द्वेष से दोनों ही इसकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, अब वो उसके अंदर नहीं है। नत्थी जागरतो भयं, नत्थी माने नहीं, जागरतो माने जो ऐसा जागा हुआ है उसको भय नहीं है, भय नहीं होता, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ना कुछ चाहिए 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 कुछ चाहिए ऐसी कोई इच्छा है, ना किसी का कोई नुकसान करना है, किसी को मारना काटना है, किसी का द्वेष है, ना ऐसी कोई इच्छा है, जो पाप से और पुण्य से दूर हो चुका है, विहीन हो चुका है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ना पाप की इच्छा है और ना ही पुण्य की इच्छा है, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से फ्री हो चुका है, मुक्त हो चुका है, ऐसा जागा हुआ व्यक्ति को दुनिया में कोई भय नहीं है, वो निर्वाण पद को प्राप्त कर चुका है, वो मुक्त हो चुका है, वो मुक्त अवस्था है, उसको मुख बोलते हैं, उसको मोक्ष बोलते हैं, जो बुद्ध ने सिखाया, तथागत ने सिखाया। ये चित्त वक की गाथा नंबर 38 है, इसकी कथा ठीक वही है जो 37 की है, गाथा नंबर 39 है और इसकी जो कथा है वो 38 वाली है। धन्यवाद। Shut